गुड मॉर्निंग। चलिए स्टूडेंट्स, आज अपनी क्लास को आगे लेके चलते हैं बेटा हम, और ऑफिशियल लेटर अपना लगभग कंप्लीट हो गया है। देखो, होने को तो बहुत सारे लेटर्स अभी और बाकी रह रहे हैं उसमें, लेकिन टॉपिक अपना बहुत बढ़ जाएगा बेटा बाकी के लेटर से। वो आप थोड़ा सा नोटबुक वगैरह में देख करके आप खुद उनको सेट करके देखना बेटा, ऑफिशियल वाले। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे शेयर करना। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं आगे। हमारा दूसरा नंबर का लेटर आता है बेटा, कौन सा? बिजनेस लेटर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम शुरुआत करेंगे बेटा बिजनेस लेटर्स। और अपना दूसरा वाला लेटर्स आज हम शुरू करेंगे बेटा बिजनेस लेटर्स। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्लास को शुरू से और एंड तक बड़े ही ध्यान से देखना है आपको। आपके कितने कन्फ्यूजन इसमें दूर होते हैं कि हमने अब तक बिजनेस लेटर कैसे पढ़े और बिजनेस लेटर अपने आप में होते क्या हैं। ओके, ठीक है, यानी कि बिल्कुल भी स्किप करने की आवश्यकता नहीं है आपको क्लास को, और शुरू से लेकर के एंड तक आज हम बिजनेस लेटर के बारे में जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि बिजनेस लेटर हमारा क्या होता है, कैसा होता है, कितने प्रकार का होता है, और इसका फॉर्मेट कैसा होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम चलते हैं बैक, जब हमने पढ़े थे बेटा आपने फॉर्मल लेटर्स। तो फॉर्मल लेटर्स को हमने चार प्रकार का किया, ऑफिशियल, बिजनेस लेटर्स टू एडिटर, और एप्लीकेशन फॉर जॉब। इतना आपको याद है। और अपने जो ऑफिशियल लेटर होते हैं ये किसी कर्मचारी के लिए लिखे जाते हैं, चाहे वो कर्मचारी कोई सरकारी हो या गैर सरकारी हो। अब दूसरी बात आती है बेटा बिजनेस लेटर्स की। अब सबसे पहले ये बिजनेस लेटर्स किसको लिखे जाते हैं बेटा? बिजनेस लेटर्स लिखे जाते हैं किसके लिए बेटा? बिजनेसमैन के लिए, यानी किसी भी व्यापारी के लिए। ठीक है, अब इस बिजनेस लेटर्स को हम बेटा प्रोफेशनल लेटर्स भी कहते हैं। ओके, यानी बिजनेस लेटर को हम प्रोफेशनल लेटर्स भी बेटा कहते हैं। अब इसकी जो सीधी सी जो आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बताया था, इसका आइडेंटिफिकेशन कि हम कैसे पहचानेंगे कि लेटर हमारा बिजनेस है। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये लेटर या तो लिखे जाते हैं किसके लिए बेटा? मैनेजर के लिए, जिसे राइट लेटर टू द मैनेजर। दूसरी चीज लिखे जाते हैं ये किसके लिए? डीलर के लिए, राइट लेटर टू द डीलर। या तीसरी चीज, ये लेटर लिखे जाते हैं किसके लिए बेटा? सेल्समैन के लिए, राइट लेटर टू द सेल्समैन। या लिखे जाते हैं बेटा ये ऑनर, और या फिर एक अलग से आता है बेटा प्रॉप आर प्रॉपराइटर। ठीक है बेटा, तो ये बिजनेस लेटर जो होते हैं हमारे, इनके लिए लिखे जाते हैं। इनसे हमको पहचान पड़ेगी कि हमको लेटर कैसे लिखना है, बिजनेस लेटर। क्योंकि क्वेश्चन में कभी भी आपके लिए आएगा नहीं बेटा कि आपको फॉर्मल लिखना है या इनफॉर्मल लिखना है, या आपको ऑफिशियल लिखना है, बिजनेस लिखना है। आपको इसका आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर लेटर इनके लिए आता है तो वो लेटर होता है हमारो बिजनेस लेटर। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब आगे। अब सबसे पहले देखो, हम इसको सरल करने के लिए बेटा ध्यान रखना इस चीज को, कोई भी बुक वगैरह वगैरह ना किसी टीचर ने, ठीक है, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। ये फिक्स अपना नियम है बच्चों को समझाने के लिए कि बच्चों को किस प्रकार से हम बेटा गाइड करें कि बेटा बिजनेस लेटर क्या होता है, कि ये क्योंकि ये बच्चों को थोड़ा सा कठिन प्रतीत होता है। कैसा होता है बेटा? कठिन। लेकिन इसको मैंने बिल्कुल ही ईजी बना दिया है, क्योंकि कोई भी जो क्वेश्चन आता है तो बच्चा इसमें चकरा जाता है कि हम इसे लिखें तो प्राय कैसे लिखें। देखना कितने कन्फ्यूजन आपके दूर होते हैं बेटा। तो यानी कि देखो, हमने बिजनेस लेटर को टू काइंड्स में विभाजित किया बेटा। कितने प्रकारों में? दो प्रकारों में। पहला प्रकार किया हमने बेटा बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन। ओके बेटा, ये बिजनेस लेटर जो होता है ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, आपको नोट डाउन करना है कि बिजनेस लेटर मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन, एक ऐसा पत्र होगा बेटा कि बिजनेसमैन के द्वारा लिखा जाएगा और बिजनेसमैन ही उसे प्राप्त करेगा। यानी कि रिसीवर भी कौन होगा? बिजनेसमैन। सेंडर भी कौन होगा? बिजनेसमैन। ओके बेटा, दूसरा काइंड इसका करते हैं बेटा हम कॉमन मैन टू बिजनेसमैन। ओके बेटा, अब इसको दूसरा कर लिया हमने बेटा एक सामान्य व्यक्ति, एक आम व्यक्ति के द्वारा व्यापारी के लिए।
सबसे पहली चीज़ तो आप इधर ध्यान दो कि बिजनेस लेटर लिखा जाएगा केवल व्यापारी के लिए। किसके लिए बेटा? व्यापारी। व्यापारी इनमें से कोई भी हो सकता है, यानी बिजनेसमैन व्यापारी के, सॉरी, यानी बिजनेस लेटर व्यापारी के लिए लिखा जाएगा। सिर्फ रिसीवर कौन होगा बेटा? व्यापारी होगा। लेकिन इसका जो सेंडर है, सेंडर इसका व्यापारी भी हो सकता है, सेंडर इसका कोई आम व्यक्ति भी हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम जाने कि लेटर हमारा कैसा है, बिजनेस लेटर है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप ये देख लेना कि उसमें वो बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन है या कॉमन मैन टू बिजनेसमैन है। ओके बेटा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो अपन को यहां पे सेट करनी है, कॉमन मैन टू बिजनेसमैन या बिजनेसमैन टू कॉमन मैन। एक सेकंड, ओके स्टूडेंट्स, तो बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन या कॉमन मैन टू बिजनेसमैन, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप ये कहेंगे, सर हमें पहचान कैसे पड़ेगा कि ये लेटर हमारा बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन है या कॉमन मैन टू बिजनेसमैन है। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल धैर्य रखिए बेटा, सब कुछ आपके सामने आएगा, आप बिल्कुल पहचानोगे कि बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन है या कॉमन मैन टू बिजनेसमैन है। अब चलते हैं बेटा आगे करेंगे हम डियर स्टूडेंट्स इसका फॉर्मेट, कि बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन का फॉर्मेट कैसे बनता है और कॉमन मैन टू बिजनेसमैन का फॉर्मेट किस प्रकार से बनता है, ठीक है। क्योंकि इस लेटर में बेटा हमसे बस यही गलती होती है बेटा कि लेटर तो है बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन, लेकिन हम करके आते हैं उसे कॉमन मैन टू बिजनेसमैन, या लेटर होता है कॉमन मैन टू बिजनेसमैन और हम उसे करके आते हैं बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन। क्योंकि इसमें सिर्फ हमको एक ही प्रकार का नियम लिखा जाता है, दो प्रकार के नियम हमको नहीं लिखा जाते। हमको किसी टीचर ने नहीं बताया कि बिजनेसमैन बिजनेस लेटर हमारा दो प्रकार का हो सकता है, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन और कॉमन मैन टू बिजनेसमैन। आप इस क्लास को बिल्कुल शांति से और धैर्य बना करके लिखते रहो बेटा और देखते रहो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखिए इसका हम फॉर्मेट करेंगे, क्या करेंगे बेटा? फॉर्मेट, कि हमें किस प्रकार से करना है। सबसे पहली चीज, फॉर्मेट ऑफ बिजनेस लेटर्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब देखते हैं हम इसको, इसको छोटा ही बना लेते, कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक है ना, अब यहां पे चलते हैं हम। ओके बेटा, देखिए अब हमने यहां पे ये किए, अपने तीन ऐसे ब्रैकेट बना लिए, एक दो तीन। आपको जैसे ऑफिशियल का बताया ना, उस तरह से आपको ये बिल्कुल अलग अलग पन्ने बनाने, जैसे पहला पृष्ठ ये और दूसरा पृष्ठ ये। यानी इसमें जो पहला वाला पृष्ठ है, इसमें लिखेंगे हम बेटा बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन, और ये होगा बेटा हमारा कॉमन मैन टू बिजनेसमैन, ठीक है। इस तरह से हम प्रारूप करेंगे, इसमें हमारा प्रारूप चलेगा कॉमन मैन टू बिजनेसमैन, इसमें हमारा प्रारूप चलेगा बेटा बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन। ओके स्टूडेंट्स, और दोनों को साथ साथ समझते हुए चलेंगे हम, ठीक है। ये चीज मैं आपको आगे बताऊंगा कि हमको क्वेश्चन का पता कैसे पड़ेगा कि ये कॉमन मैन टू बिजनेसमैन है या बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन है। ओके, चलिए तो देखो, सबसे पहला नंबर आता है बेटा अपना किसका? सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस आप खूब जानते हैं अच्छे से कि सबसे पहले हम पत्र लिखने वाले का क्या लिखते हैं बेटा? पता लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पता, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा?
बिजनेस नेम ऑफ द बिजनेस फर्म, और किसकी बिजनेस फर्म आएगी बेटा, सैंडर्स। इनको साथ साथ लिखते जाना बेटा, यानी कि सबसे पहले यदि पत्र हमारा बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन है, यानी कि लिखने वाला भी कौन है, जैसे कि मैं पत्र लिख रहा हूं और मैं कौन हूं बेटा, एक बिजनेसमैन हूं, तो मुझे सबसे पहले मेरी बिजनेस फर्म का नाम लिखना पड़ेगा बेटा। क्या लिखना पड़ेगा? बिजनेस फर्म का नाम। ओके स्टूडेंट्स, अब ये बिजनेस फर्म क्या होता है? बिजनेस फर्म होता है बेटा व्यापारिक प्रतिष्ठान। क्या होता है? व्यापारिक प्रतिष्ठान, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो बिजनेस करता है, चाहे वो छोटी बिजनेस है या बेटा बड़ी बिजनेस है, उसकी बिजनेस का कुछ ना कुछ तो नाम होता है। जैसे कि आपने छोटी मोटी दुकान देखी, दुकान के ऊपर नाम लिखा होता है बेटा, जैसे कि मोहित स्टूडियो, गुप्ता बुक स्टोर, खंडेलवाल शूज एजेंसी, ठीक है, आपने देखा होगा शर्मा फर्नीचर, शर्मा एंड कंपनी, ठीक है। तो इस तरह से बिजनेस फर्म का ये क्या होता है बेटा, नाम होता है। और जो पत्र लिखेगा, क्योंकि ये पत्र कैसा है हमारा, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन, तो पत्र लिखने वाला कौन होगा बेटा, एक बिजनेसमैन होगा। तो जो बिजनेसमैन होगा तो उसकी बिजनेस फर्म का कुछ ना कुछ तो नाम होगा बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, बिजनेस फर्म का नाम लिखेंगे। और इस बिजनेस फर्म का नाम हम लिखते कैसे हैं, अब मैं आपको बिजनेस फर्म का नाम लिख करके बताता हूँ बेटा कि हम बिजनेस फर्म का नाम किस प्रकार से लिखें। तो देखो, बिजनेस फर्म का नाम लिखने से पहले सबसे पहले हम बनाएंगे बेटा एम एस, एम को बड़ा बनाएंगे, एस को हम बनाएंगे छोटा। इसका अर्थ होता है बेटा मैसर्स। क्या होता है बेटा? मैसर्स। इसको भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो, मैसर्स जो शब्द है ये है बेटा, ये मैन बना है किससे बेटा, मैसर्स से। मैसस, इसको मैसस बोलते हैं। अरे यार, एस ई आई यू आर एस, मैसस। और मैसस एक फ्रेंच वर्ड है। कैसा है बेटा? फ्रेंच, फ्रांस से लिया गया है, जिसका पूरा अर्थ जो इसका एब्रीविएशन होता है, एब्रीविएशन जानते हैं बेटा किसे कहते हैं? एब्रीविएशन, एब्रीविएशन कहते हैं बेटा। एब्रीविएशन का मतलब होता है बेटा संक्षिप्त रूप। क्या होता है बेटा? संक्षिप्त रूप। अब इसका मैसेज का संक्षिप्त रूप जो बनकर के सामने आया है, वो सामने बन के आया है एम ई डबल एस आर एस, मैसेज। और इस मैसेज का भी संक्षिप्त रूप बन के आया बेटा एम ऑब्लिक एस। इसका और भी संक्षिप्त क्या बन के आ गया? एम एस, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म ये और इसकी फुल फॉर्म ये, ठीक है। ध्यान रखना इन चीजों को बेटा, ये काम आने वाली चीजें भविष्य में। आपने कहीं भी किसी भी दुकान के किसी भी कंपनी के आगे आपने एमएस लिखा हुआ देखा होगा बेटा, लेकिन हमें उस एमएस का मतलब नहीं पता कि इस एमएस का मतलब क्या होता है। अब ये एमएस जो होता है, चाहे वो मैसर्स बोलो, इसे हम मैसर्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा सटीक अच्छा दिखने में मैसर्स लगता है, इसलिए हमने क्या लिखा बेटा? मैसर्स, एमएस कर दिया यहाँ पे। अगर आप मैसर्स ये करेंगे तो भी गलत नहीं होगा। अब देखो, इंग्लिश में बेटा हमारा एक शब्द है बेटा मिस्टर, आपने सुना होगा बेटा। और मिस्टर का अर्थ क्या होता है बेटा? श्रीमान। क्या होता है? श्रीमान। लेकिन हम मिस्टर किसी एक व्यक्ति के लिए लिखते हैं। किसके लिए लिखते हैं बेटा? एक व्यक्ति के लिए। और इस मिस्टर का जो प्लूरल बनता है वो बेटा मैसर्स बनता है। क्या बनता है? मैसर्स, ठीक है। इस मैसर्स का अर्थ होता है श्रीमान, साहब, सज्जन पुरुष, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मैसर्स बोलते हैं। ध्यान रखना इस चीज को, ये मिस्टर का क्या है बेटा? प्लूरल। क्या है? प्लूरल वर्ड है। किसका? मिस्टर का। आगे होगा आपकी समझ में। और इसका अर्थ होता है बेटा श्रीमान। मैसर अधिकांशतः, वैसे कोई भी लगा सकता है, लेकिन ज्यादातर मोस्टली अगर कोई दो व्यक्तियों का, दो से अधिक व्यक्तियों का किसी बिजनेस में पार्टनरशिप है बेटा, ठीक है, जैसे शर्मा एंड ब्रदर्स, शर्मा एंड सन्स, ठीक है, जैसे कि मोहन एंड सोहन कंपनी, तो मोहन और सोहन का क्या हुआ हिस्सा, तो वो उस नाम से पहले क्या लगाते हैं बेटा? मैसर्स लगाते हैं, क्योंकि मैसर्स हमारा क्या होता है? बहुवचन होता है। और ये कोई दो या दो से अधिक ग्रुप जब मिलकर के कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, कोई काम करता है, तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं बेटा? मैसर्स का प्रयोग करते हैं। इस चीज़ को आप सटीक तरह से ध्यान रख लेना।
अब सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे बेटा, मैसर्स का। और देखो बेटा, अब मैसर्स के बाद हमने क्या किया, मैसर्स के बाद प्लस यहां पे हम बिजनेस फर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, बिजनेस फर्म, मैसर्स प्लस बिजनेस फर्म, ये हमको नेम ऑफ द बिजनेस फर्म में आता है। जैसे कि पत्र लिखने वाला, देखो क्वेश्चन आएगा ना, जब आपको पता चल जाएगा बेटा क्वेश्चन में, हमको पता चल जाएगा, जैसे कि ऐसे आ जाए कि यू आर ए सेल्समैन ऑफ रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है, यू आर ए शॉपकीपर ऑफ बुक्स, या यू आर ए बुक सेलर, ठीक है, तो इससे हमको पता पड़ जाता है कि यू आर ए बुक सेलर तो आप कौन हो, बिजनेस मैन हो, ठीक है बेटा। यू आर ए सेल्समैन ऑफ रेफ्रिजरेटर्स, आपकी फ्रिजों की दुकान है, ठीक है, आप फ्रिज बेचते हो, तो उससे हमको पता पड़ जाता है बेटा कि हम कौन है, बिजनेसमैन। तो बिजनेस फर्म का की जो हिंट है ना बेटा, वो हमें क्वेश्चन में मिलेगी कि हम कौन है। तो वहाँ पे उसकी बिजनेस फर्म का हम नाम लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा एम एस और यहाँ पे हमने लिख दिया बेटा गुप्ता बुक स्टोर। दुकान पे लिखा देखा होगा आपने, गुप्ता बुक स्टोर, गुप्ता बुक एजेंसी, कुछ भी अपने मन से बना सकते हैं। जैसे किसी पुस्तकों की दुकान है तो उसके नाम से मोहन बुक स्टोर, ठीक है, किसी भी नाम से हम इसको सेट कर, शर्मा बुक स्टोर, कुछ भी हम बुक बेटा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक इमेजिनरी कंडीशन लेकर के बेटा एक कल्पना करते हुए आपको बता दिया बेटा, जैसे कि हमारी दुकान है गुप्ता बुक स्टोर, ये लिखनी हमें प्रश्न के हिसाब से प्रिय स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे डाल दी हमने गुप्ता बुक स्टोर। चलिए ये कंप्लीट हो गया हमारा क्या बेटा, नेम ऑफ द बिजनेस फर्म, ठीक है। अब एड्रेस में दूसरी चीज आती है बेटा, अब इसके नीचे हमें लिखना पड़ेगा सेंडर्स एड्रेस। सबसे पहले बिजनेस फर्म हो गया, अब इसके नीचे लिखना पड़ेगा हमें बेटा सेंडर्स एड्रेस। अब सेंडर्स एड्रेस देखो हम लिखते आए हैं, पहले कोई भी मकान नंबर, फिर किसी गली मोहल्ले नगर कॉलोनी वगैरह का नाम, नीचे बेटा शहर का नाम। लेकिन हम लिख तो इसमें भी सकते हैं क्योंकि दुकान हमारी किसी गली मोहल्ले में भी हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना बेटा आप, ठीक है, कि हमें क्या करना है, जब हम कोई बिजनेसमैन हैं तो हमारी दुकान किसी न किसी मार्केट में होगी, हमारा बिजनेस किसी न किसी रोड पर होगा, हमारा बिजनेस किसी न किसी बाजार में होगा। तो अगर हम ऐसे करके लिखते हैं तो बहुत ही सटीक लगता है। अगर हम इसमें क्या है कि हमको घर का एड्रेस नहीं लिखना है, एड्रेस यहाँ पे सेंडर्स जो एड्रेस आएगा, ये एड्रेस आएगा किसका बेटा, बिजनेस का। किसका एड्रेस आएगा प्लीज स्टूडेंट, बिजनेस का एड्रेस लिखना है, ना कि हमें होम एड्रेस लिखना है। तो इसलिए बिजनेस का एड्रेस जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर सीधा लिख लेंगे, जैसे कि हमने लिखा बेटा कोई भी एक बाजार का नाम सेट किया हमने, गणेश मार्केट, शिव मार्केट, ठीक है, इस पर सदर बाजार, गणेश बाजार भी लिख सकते हैं, वैसे कुछ नहीं कि बाजार को मार्केट लिखें, आप गणेश बाजार कर सकते हैं बेटा, ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा, गणेश मार्केट। चलिए अब चलते हैं हम आगे, अब आगे ये क्या हो गया बेटा, हमारा बिजनेस फर्म का नाम हो गया गणेश मार्केट हो गया। अब हम एड्रेस में क्या सेट करते हैं बेटा, नेम ऑफ द सिटी, ठीक है। अब सीधा इसके नीचे हमने जैसे शहर का नाम लिख दिया बेटा, क्या जयपुर, अलवर, भरतपुर, कहीं भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना नियम नंबर फर्स्ट होता है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस में हमको मैसर्स प्लस बिजनेस फर्म का नाम, और जैसे मैसर्स गुप्ता बुक स्टोर, ठीक है, गणेश मार्केट जयपुर। एक सेकेंड यार, ये फोन दिमाग, ठीक है बेटा, ये हमने क्या कर दिया बेटा सेट। अब चलते हैं इधर की तरफ, कॉमन मैन टू बिजनेसमैन। अब कॉमन मैन टू बिजनेसमैन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, एड्रेस। अब जैसे कोई सपोज दैट पत्र लिखने वाला कोई सामान्य व्यक्ति है और उसका कोई बिजनेस बेटा है नहीं, ठीक है, बिजनेस उसका है नहीं, कोई सामान्य व्यक्ति है, तो अगर कोई सामान्य व्यक्ति है बेटा और वो पत्र लिखेगा तो वो फिर अपना एड्रेस तो वही लिखेगा बेटा, होम एड्रेस। कैसा, होम एड्रेस,
ठीक है। जब कोई कॉमन व्यक्ति है जिसका कोई बिजनेस नहीं है तो वो फिर बेटा बिजनेस फर्म का नाम एमएस वगैरह लिखेगा क्या? नहीं लिखेगा। इसमें सीधा बिल्कुल एज ए ऑफिशियल, ये हमको एज ए ऑफिशियल की तरह, हमको एज एन ऑफिशियल लेटर जो अपना है उसी की तरह हमें ये सेट करना है, ठीक है। जैसे 15 शिव कॉलोनी या शिव कॉलोनी कृष्णानगर अलवर जयपुर, जैसे हम ऑफिशियल में लिखते हैं उस प्रकार से हमको इसमें एड्रेस लिखना है। इसमें कोई भी बेटा बिजनेस फर्म वगैरह का नाम नहीं लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, इसे आप नोट कीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, एक लाइन छोड़ेंगे। क्या करेंगे बेटा, एक लाइन छोड़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद भी हम क्या करेंगे बेटा, एक लाइन छोड़ेंगे, ठीक है। आप नोट करते जाना बेटा। अब दूसरा नंबर आता है बेटा हमारा किसका, देखिए ये हो गया हमारा बिजनेस फर्म का नाम, चलिए देखो। अब दूसरे नंबर पे लिखते हैं हम बेटा क्या, फोन नंबर, या बोल सकते हैं बेटा इसे मोबाइल नंबर, ठीक है। अब कोई भी हम मोबाइल नंबर लिखेंगे, यानी कि जैसे कि याद रखना बेटा हमने लिया है गुप्ता बुक स्टोर कल्पना के लिए, आप ध्यान रखो कि गुप्ता बुक स्टोर का मैसेज पत्र लिख रहा है, तो हम यहां पे मोबाइल नंबर, जब हम मोबाइल नंबर लेंगे तो हम दर्शाएंगे केवल क्या बेटा, एम। और एम दर्शाने के बाद जैसे हमने कोई भी मोबाइल नंबर 9810 और 9, ठीक है, ये डिजिट लिए, वही हमें एडवर्टाइजमेंट की तरह मोबाइल नंबर हमें बेटा पूरा नहीं लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि मोबाइल नंबर हमको बेटा पूरा नहीं लिखना, ओके, ठीक है। ये क्या दर्ज डाल दिया बेटा, मोबाइल नंबर, ठीक है। अब इसमें मोबाइल नंबर आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं पत्र लिखूंगा किसी के लिए तो बेटा मोबाइल नंबर लिखने की आवश्यकता क्या है, इसमें कोई मोबाइल नंबर नहीं आएगा। अब चलते हैं आगे तीसरी चीज, अब इसके नीचे लाइन नहीं छोड़नी बेटा, इसके नीचे हमें लाइन नहीं छोड़नी है, फिर हमको लिखना है बेटा ईमेल एड्रेस, क्या लिखना है बेटा, ईमेल एड्रेस। अब यहाँ पे बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन है बेटा, तो हमें ईमेल एड्रेस लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना बेटा, ओके, ईमेल एड्रेस। अब ये ईमेल बनाएंगे कैसे, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन जो होता है बेटा उसका सबका ईमेल वेबसाइट वगैरह सबका होता है, तो वो उस लेटर पे अपना ईमेल एड्रेस लिख करके चलेगा। और आइए स्टूडेंट्स, हम ईमेल एड्रेस को लिखते कैसे हैं? पहले तो आप ये जानो, जो बच्चे जानते हैं उनको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको खूब पता है कि यदि हम मोबाइल पर कुछ भी बनाते हैं बेटा, ठीक है, मोबाइल पर अपनी आईडी वगैरह बनाते हैं, ईमेल एड्रेस बनाते हैं, तो किस प्रकार से बनाते हैं, हम कोई भी क्या लेते हैं बेटा, पहले नेम लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, नेम, ठीक है। फिर क्या लगाते हैं बेटा, हम एट द रेट, फिर हम लगाते हैं ई मेल, और फिर लिखते हैं डॉट कॉम, कॉम के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाना, कॉम के बाद कोई डॉट नहीं लगाना है। अब इसमें क्या करना है बेटा, ये मैंने आपको पहले एडवर्टाइजमेंट कराया तब भी समझा दिया था कि प्रत्येक अक्षर कैसा होना चाहिए, स्मॉल, कैसा होना चाहिए बेटा, स्मॉल होना चाहिए, और कहीं भी बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। लेकिन नेम को आपको ध्यान रखना है बेटा, नेम को आपको ध्यान रखना है, जब हम बिजनेसमैन हैं और हम अपना ईमेल एड्रेस बना रहे हैं तो अपना ईमेल एड्रेस बिजनेस फर्म के नाम से ही बनेगा। जैसे कि हमने अभी लिखा था गुप्ता बुक स्टोर, तो गुप्ता बुक स्टोर, ठीक है। और गुप्ता बुक स्टोर कहाँ था बेटा, गणेश मार्केट JR जयपुर, ठीक है। चाहे तो आपको डिजिट लिख सकते हैं, ना लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया, अब फिर इसके बाद हमें क्या लिखना है बेटा, एट द रेट, फिर लगाना है हमको ई मेल। अब ईमेल लिख सकते हैं, जीमेल लिख सकते हैं, सरफराज लिख सकते हैं, याहू कि किस साइट पर आपने डॉट कॉम। इस तरह से बेटा हम तीसरे नंबर पर ईमेल एड्रेस लिख करके चलते हैं कि ईमेल एड्रेस हम किस प्रकार से बनाएं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम ईमेल एड्रेस बनाएंगे कैसे बेटा, यदि हमने बिजनेस फर्म का और एड्रेस यदि सही डाला है तो ईमेल एड्रेस भी हम आराम से बना सकते हैं। यानी सब कुछ एक नियम के अकॉर्डिंग चलेगा, सब कुछ सूटेबल तरीके से चलेगा। आगे आता है इसमें बेटा हम कोई ईमेल एड्रेस नहीं डालते, क्योंकि ये कॉमन मैन टू बिजनेसमैन है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे, इसके नीचे फिर कोई लाइन नहीं छोड़नी है। और फिर नंबर आता है हमारा बेटा कौन सा, चौथा,
ठीक है। और चौथे नंबर पे प्रिय स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, हम लिखते हैं बेटा रेफरेंस नंबर, क्या लिखते हैं रेफरेंस नंबर, या इसको हम बोल सकते हैं बेटा लेटर नंबर, जो अभी पिछली वीडियो में पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, ठीक है। यानी कि इसमें हमको रेफरेंस नंबर लिखना पड़ेगा, किसमें, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन में। अब ये रेफरेंस नंबर हम क्यों लिखते हैं, ये मैंने पिछली बार आपको डिफाइन कर दिया था अच्छे से कि ये बिटाओ जो भी लेटर्स होते हैं ये उनके रिकॉर्ड में दर्ज होते हैं। जैसे कभी भी किसी से काम पड़ गया, मैंने यार उस व्यक्ति के लिए उस बिजनेसमैन के लिए पत्र कब लिखा था, तो उसे ढूंढने में, उस पत्र को ढूंढने में क्या होती है बिटाओ, एकदम से सरलता होती है। इसलिए इसमें रेफरेंस नंबर डालना बहुत जरूरी होता है बिटाओ। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं रेफरेंस नंबर की, और यहाँ पे नीचे लिखा बेटा हमने रेफरेंस नंबर, ऐसे शॉर्ट में लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लेटर नंबर लिखते हैं तो वो भी सही है। और रेफरेंस नंबर लिख करके यहाँ क्या लगाएंगे अपन, डैश। चलिए अब देखो रेफरेंस नंबर भी किससे बनेगा बेटा, बिजनेस फर्म के नाम से, ध्यान रखना बिजनेस फर्म का जो नाम है उसी से हम रेफरेंस नंबर बनाएंगे, लेकिन इसे बनाएंगे हम कैपिटल में, जिससे गुप्ता बुक स्टोर हो गए बेटा। अब आगे हमने लिखा था बेटा गणेश मार्केट, और क्या लिखा था बेटा जे आर जयपुर, बहुत ही इजी है बेटा। अगर हमने ऊपर बिजनेस फर्म का और एड्रेस सही लिखा है तो उसी से ये सारी चीज़ें बनकर के कंप्लीट होती हैं, रेफरेंस नंबर जी बी एस जी एम जे आर, और यहाँ पर हम कोई भी एक डिजिट लिखेंगे, जैसे लिख दिया 10, कोई भी संख्या लिख दी, और 2020 बिल्कुल फिक्स उसी तरह है जैसे हमने पिछली क्लास में सीखा था। ये क्या हो गया बेटा हमारा रेफरेंस नंबर। ये रेफरेंस नंबर बनाना बहुत आसान है बेटा, आप अपने एड्रेस से अच्छे से बना सकते हैं। अब चलते हैं इसकी तरफ, तो बताओ इसमें रेफरेंस नंबर आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि ये लेटर कैसा है, कॉमन मैन टू बिजनेसमैन। इसमें अभी सिर्फ हमारा एक काम हुआ है, होम एड्रेस एज एन ऑफिशियल, जिस तरह से हम ऑफिशियल का एड्रेस लिखते थे उस तरह से। चलिए बेटा अब चलते हैं हम आगे, इसमें कितने नियम हो गए, 1, 2, 3 और 4। अब इसके बाद फिर हमें क्या करनी है बेटा, एक लाइन छोड़नी है, ठीक है। यहाँ का तो अभी पहला ही नियम हुआ, इसके बाद तो बेटा लाइन छूटी पड़ी है। अब यहाँ पे हमारे नियम कितने हो गए, 4, और इसके बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे। अब इसका नियम नंबर आ जाता है कौन सा बेटा, 5वां, ठीक है। और अब 5वें नंबर पे हम लिखते हैं बेटा डेट, ठीक है। 5वें नंबर पे हमको क्या लिखनी पड़ेगी बेटा, डेट लिखनी पड़ेगी। डेट आप लिखना जानते हैं बेटा, है एज इट, जैसे हम करते हैं पहले की तरह, ठीक है। यानी कि आज की जैसे हम डेट बनाए तो हमने लिखा बेटा 2 अक्टूबर 2020, ठीक है, ये डेट आ गई। अब इसमें भी दूसरे नंबर पर क्या आएगी बेटा, डेट, क्या आएगी डेट, और डेट के बाद क्या छोड़ देंगे हम, यहाँ भी एक लाइन, और यहाँ भी डेट के बाद क्या छोड़ देंगे बेटा हम, एक लाइन। समझ में तो आ रहा है ना बेटा, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स कर लिया करो और उसको देख लिया करो बार बार, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज से हमें यही तो फायदा होता है बेटा कि हम किसी भी क्लासेज को कभी भी उठा करके देख सकते हैं, ठीक है। अब आया आगे, डेट हो गई, अब नंबर आता है बेटा कौन सा हमारा, 6वां, कौन सा नंबर आता है, 6वां। अब 6वें नंबर पे आपको पता है अच्छी तरह से कि डेट के बाद हम क्या लिखते हैं बेटा, डेजिग्नेशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा, डेजिग्नेशन लिखते हैं, और ये डेजिग्नेशन किसका आता है, रिसीवर्स का, किसका आता है बेटा, रिसीवर्स का, ठीक है। यानी कि डी प्लस पद का नाम, ये आप पहले जानते हैं बेटा कि डेजिग्नेशन से पहले हम क्या लगाते हैं, डी लगाते हैं, तो यहां पर डी प्लस पद का नाम आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, पद का नाम। लेकिन ये पद का नाम आएगा किसका बेटा, रिसीवर्स का, किसका आएगा बेटा, रिसीवर्स का, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं। अब ऊपर पहले मैंने आपको समझा दिया था कि जिसको हम पत्र लिख रहे हैं वो कोई सेल्समैन हो सकता है, वो कोई मैनेजर हो सकता है, वो प्रोप्राइटर हो सकता है, वो ऑनर हो सकता है, वो डीलर हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा द मैनेजर, द सेल्समैन, द ऑनर, ठीक है, कौन बेटा, जिसको पत्र लिख रहे हैं कि वो कौन है, क्योंकि वो पत्र, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं वो भी तो कौन होगा, बिजनेसमैन, तो उसका हमने पद का नाम लिख दिया, जैसे हमने लिखा बेटा द सेल्समैन, ओके स्टूडेंट। और यहाँ पर है जैसे हमने
लिखा बेटा द, और यहाँ कर दिया बेटा हमने सेल्स मैन। अब सेल्स मैन लिखने के बाद बेटा यहाँ भी क्या होगा एम एस, क्योंकि ये भी तो कोई व्यापारी होगा, तो इसका इसके लिए एम एस प्लस इसकी बिजनेस फर्म का नाम। तुम्हारी बिजनेस फर्म का नाम, पत्र लिखने वाले की बिजनेस फर्म का नाम शुरू में कर दिया, और जिसको हम पत्र लिख रहे हैं बेटा उसकी बिजनेस फर्म का नाम हम कहाँ करेंगे इसके बाद करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे। जब हमने बिजनेस फर्म का नाम कर दिया है, दिख रहे हो, जब हमने बिजनेस फर्म का नाम बेटा कर दिया है तो बिजनेस फर्म के नाम के नीचे क्या लिखेंगे बेटा हम एड्रेस, क्या लिखेंगे बेटा एड्रेस, ठीक है। एड्रेस आप अच्छे से जानते हो भाई, जब इसकी बिजनेस फर्म है तो इसकी एड्रेस भी होगा कहीं ना कहीं, तो होगा इसका एड्रेस भी, तो इसका एड्रेस भी हमें कहाँ का बनाया, कोई बनाना है कोई मार्केट या बाजार का, फिर नीचे हमको नेम ऑफ द सिटी। एड्रेस में दो चीज आती है बेटा, नेम ऑफ द कंप्लीट एड्रेस एंड सिटी, कंप्लीट पता लिखना है और शहर का नाम लिखना है, तब जाके होगा। अब आइए बेटा यहाँ पे आता है तीसरा नंबर। अब तीसरे नंबर पे वो ही बेटा, इसमें डी प्लस डेजिग्नेशन, इसमें तो हमें लिखना है बेटा, क्योंकि कॉमन मैन टू बिजनेसमैन, पत्र प्राप्त करने वाला तो कोई ना कोई व्यापारी होगा, तो इसलिए पत्र तो हमेशा व्यापारी प्राप्त करेगा, तो डी प्लस डेजिग्नेशन, क्योंकि इसका रिसीवर तो व्यापारी है, और इसमें भी वही आएगा बेटा एम एस प्लस नेम बिजनेस फर्म, यहाँ ये सेम आएगा बेटा बिजनेस फर्म, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया बेटा एड्रेस। तो इसका ये और ये तो डेजिग्नेशन और एड्रेस दोनों का कैसा होगा सेम, दोनों का सेम क्यों होगा, ये आप जानते हैं कि दोनों का रिसीवर कौन है बेटा बिजनेसमैन है, तो ऊपर डी प्लस डेजिग्नेशन और बिजनेस फर्म का नाम वगैरह एम एस वगैरह ये हमें सेट अच्छे से करना है। चलिए स्टूडेंट्स अब चलते हैं हम आगे। आगे बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन में आता है अपना नियम नंबर सात। क्या आता है बेटा नियम नंबर सात, अभी बहुत सारे कंक्लूजन आएंगे देखना आगे। चलिए अब नियम नंबर लेते हैं बेटा, इसमें हम सातवां, और सातवें नियम नंबर पे हम लिखते हैं बेटा सब्जेक्ट, क्या लिखते हैं बेटा सब्जेक्ट, ठीक है। और इसमें ये आ गया, इसमें भी चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा बेटा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दोनों का कैसा होगा बेटा सेम, सब्जेक्ट इसमें आपको चारों याद रखने पड़ेंगे बेटा, फोर मेकिंग इंक्वायरी, फोर रजिस्टरिंग कंप्लेंट, फोर प्लेसिंग ऑर्डर, इसमें प्लेसिंग ऑर्डर भी आता है, और फोर आस्किंग इन्फॉर्मेशन या गिविंग इन्फॉर्मेशन। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमें इसका सब्जेक्ट लिखना है। हाँ डियर स्टूडेंट्स देखिए, आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने वाले हैं, क्लास को बड़ी रुचि के साथ देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरह से, लेकिन मेरा कहने का जो मतलब है ना बेटा वो सब से नहीं है, सारे स्टूडेंट से नहीं है, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं होते, हो सकता है कि हमारे स्टूडेंट्स वो ना ही हो, क्योंकि जब हम ऑनलाइन क्लास छोड़ रहे हैं तो बेटा इस क्लास पे कोई भी अपनी वीडियो देख सकता है, ठीक है। और कमेंट भी आते हैं, लेकिन उन कमेंट्स ऐसे कमेंट मत करो जो हमें ये दर्शाएं कि यार हम तो वास्तव में किसी कच्चे गुरु के चेले हैं, ठीक है, बिल्कुल ये मत दर्शाओ कि हम किसी कच्चे गुरु के चले, ये मत दिखाओ कि हम कुछ नहीं जानते। अरे थोड़ा बहुत आज सीख रहे हैं, आप यहाँ तक पढ़े हैं तो आप जानते होंगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब आपसे नहीं, अदरवाइज मत लेना, क्योंकि वो स्टूडेंट्स कोई भी हो सकता है जो कमेंट कर रहा है, ठीक है। अब मैं तो जानता नहीं क्योंकि ना तो मैं तुम्हारे किसी के नाम जानता बेटा, ना ही मैं आपको शक्ल से जानता कि आप हो या कि कोई और हो, ठीक है। अगर आप हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप अपने आप को दर्शाओ मत। कमेंट कर रहे हैं कि सब्जेक्ट सर 4-5 वर्ष में होता है, सर आपने तो पूरी लाइन ही लिख डाली सर। अरे किसने बता दिया हमें आपको कि सब्जेक्ट 4-5 वर्ष का होता है, हम फॉर्मल लेटर्स पढ़ रहे हैं प्रिय स्टूडेंट्स, और फॉर्मल लेटर्स पत्र देखने वाले को तुरंत समझ में आना चाहिए, पत्र
जो भी प्राप्त कर रहा है उसे तुरंत समझ में आना चाहिए कि पत्र किस विषय पर है, किसके पत्र का सब्जेक्ट क्या है। तो उसके लिए थोड़ा ध्यान दो, मैं आपको क्लियर करता हूँ बेटा कि चार पांच वर्ड्स अगर पत्र हमारा समझ में आ रहा है कि चार पांच वर्ड्स का है, तो अगर हमारा काम चल रहा है कि हम सब्जेक्ट चार पांच वर्ड्स में दें तो कोई दिक्कत नहीं, आप चार पांच वर्ड्स में दे सकते हैं। ठीक है, मैं आपको कोई शॉर्ट तरीका नहीं बता रहा हूँ, काम चलाओ तरीका नहीं बता रहा हूँ बेटा, आप किसी एरेगरे टीचर से नहीं पढ़ रहे, मिस्टर श्याम सुंदर शर्मा से। तो मेरे पास काम चलाओ तरीका नहीं मिलेगा बेटा कि काम चल सकता है, मैं तो सटीक और लॉजिकल बात बताता हूँ। अगर काम चल रहा है, काम चलाओ, तो चार पांच वर्ड्स दो, अन्यथा हम पूरी की पूरी एक लाइन में हम अपना सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं, अपना सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। अब आपकी अगर कॉपी बेटा छोटी हो, जैसे कि हमने यहाँ पे एक काढ़ा है अभी, तो छोटा सा, अभी यहाँ पर तो तीन लाइन आएंगी, ठीक है, लेकिन एक लाइन से अधिक नहीं होगा, एक लाइन से दूसरी लाइन में पहुँच सकता है। ठीक है, अगर आप वर्ड्स गिनोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा छः हो सकते हैं, सात हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं। अब आप थोड़ा सपोज करके देख लो, मैं तो बस ज़्यादा बात नहीं करना चाहता इस टॉपिक पे, क्योंकि अभी हमको क्लास ही बहुत पढ़नी है, ज़्यादा बात नहीं करना चाहता बेटा। अब आप केवल इतना सोच कर देख लो कि हमने 8, 9, 10 और 11 नंबर के जो लेटर किए, ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और राशन कार्ड, उसमें सब्जेक्ट क्या डालोगे आप? कुछ केवल माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अभी माइग्रेशन सर्टिफिकेट तो सूचना लेने के लिए भी हो सकता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट की सूचना देने के लिए भी हो सकता है, राशन कार्ड की जानकारी लेने के लिए भी हो सकता है, और खाली राशन कार्ड लिखोगे, राशन कार्ड की जानकारी देने के लिए भी हो सकता है। डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट, उसके आगे लिखना पड़ेगा मेरे बेटा कि आप इश्यू करवा रहे हैं कि क्या करवा रहे हैं, फॉर इश्यूइंग ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट। अगर आप डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट की केवल जानकारी ले रहे हैं तो फॉर आस्किंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट। अगर जानकारी दे रहे हैं सेक्रेटरी वगैरह तो फॉर गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट। इस तरह से प्रिय स्टूडेंट हमको सेट करना होता है, ऐसा नहीं कि हमने केवल लिख दिया पुअर लाइटिंग हो गया, अब पुअर लाइटिंग तो कुछ भी हो सकता है। थोड़ा समझाया भी जाता है कि ये पत्र का उद्देश्य क्या है, सब्जेक्ट का मतलब विषय नहीं होता, आप कहीं विषय समझ रहे हैं कि सब्जेक्ट का मतलब विषय, हम विषय पढ़ते हैं, सब्जेक्ट का अर्थ होता है बेटा उद्देश्य, पर्पज, किस लेटर को लिखने का पर्पज क्या है। और इसे कभी भी बेटा शॉर्ट मत लिखो, इतना मैं भी जानता हूँ जब मैं पढ़ा रहा हूँ कि सब्जेक्ट जो होता है एकदम ब्रीफली लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है ब्रीफली, लेकिन ब्रीफली का मतलब ये भी नहीं कि आप बिल्कुल ब्रीफली का सामने वाला समझेगा नहीं। अरे हम माइग्रेशन सर्टिफिकेट का गया कुछ भी आ गया, उसको थोड़ा सा दो शब्द और बढ़ा के चलो ना, कादिक तारीख में नंबर थोड़ी कट रहा है हमारा, बोर्ड एग्जाम में नहीं लगता। हाँ, सब्जेक्ट हम लिखते हैं बेटा, जैसे कि हम नोटिस राइटिंग करते हैं, नोटिस राइटिंग पढ़ रहे हैं और हमारा लिखना है हमें सब्जेक्ट, तो सीधा काम चल सकता है एनुअल फंक्शन, एजुकेशनल टूर है, फाइनल क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच, सीधा इतना सा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन ये लेटर जब हम लिख रहे हैं ना किसी काम के लिए, जब हमारा बहुत ज़्यादा काम पड़ रहा है, अधिकारी के लिए लिख रहे हैं, तो बेटा एकदम सटीक लिखेंगे, उसके तुम्हारा तुरंत दिमाग में बैठ जाए कि बच्चा क्या चाह रहा है, व्यक्ति, ये व्यक्ति जिसने पत्र लिखा है ये क्या चाह रहा है, उसको सब्जेक्ट से ही पता पड़ जाता है। तो कभी भी ये सोच के मत चल लेना मेरे बेटा कि सब्जेक्ट केवल चार पांच वर्ड्स का ही होता है, सब्जेक्ट हमारा एक लाइन का हो सकता है, डेढ़ लाइन का हो सकता है। अगर हमारा काम चल रहा है चार पाँच शब्दों में, तो हम चार पाँच वर्ड्स में लिख सकते हैं, ऐसे कमेंट मत डाले करो बेटा, केवल आप मुझसे पूछ सकते हैं, ये कहो मत, ठीक है, कि सर आपने तो पूरी लाइन ही लिख दी, मतलब मुझे सिखा रहे हो आप लोग, है ना इसका मतलब, या फिर आप मुझे प्रूफ करके बताओ कि आपको किसी ने पढ़ाया है चीज़ के सब्जेक्ट चार पांच वर्ड्स में लिखते हैं, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और उसका लेटर, उसका सब्जेक्ट आप चार पांच वर्ड्स में लिख के बता देना, मैं आपको मान जाऊंगा, देख लो। ठीक है, तो ज़्यादा हम इस विषय पर बहस नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका सब्जेक्ट एक एक दो दो लाइन में होता है बेटा, ठीक है, इस चीज़ को आप लेके चलना। अब नंबर आता है हमारा बेटा सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट को हम उसी प्रकार से उसी भांति से लिखेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब सब्जेक्ट के बाद फिर हम क्या करेंगे बेटा, एक लाइन छोड़ेंगे, यहाँ भी क्या लिखा हमने सब्जेक्ट, इसके बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे। अब आप ये भी कहोगे सर आप तो थोड़ी थोड़ी देर में लाइन छोड़वा रहे हो, बेटा लाइन छोड़ी जाती है, ये मैंने पहले क्लियर आपको कर दिया, ठीक है। अपनी जो पढ़ाई है बेटा, मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि हम किसी से कंपटीशन नहीं करते, लेकिन अपनी पढ़ाई के अंदर कोई यर्ड्स एंड वर्ड्स ये सिस्टम आता ही नहीं है, वो तो तुम हो, अनजान बच्चे हो, पढ़ रहे हो,
अरे हमारे जो जानकार बच्चे हम जिनको पढ़ाते हैं बेटा, हमारी क्लास का वेट करते हैं बच्चे, एक दिन में चाहे चार क्लास छोड़ो चाहे छः क्लास छोड़ो कि सर की क्लास कब आने वाली है, ठीक है। और आप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, आप एकदम बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और मैं भी खुश हूँ आपको पढ़ाते हुए, दुखी नहीं हूँ बेटा, ठीक है, ओके। और मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से अच्छे को सीखो, अच्छे से अच्छे कमेंट दो, ओके स्टूडेंट्स। चलिए अब बेटा हमने क्या लिखा बेटा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आप खूब जानते हैं बेटा अगला नंबर आता है बेटा आठवें नंबर पे, सेलिब्रेशन। ठीक है, सेलिब्रेशन का नंबर आता है और सेलिब्रेशन में आप जानते हैं हम क्या लिखते हैं बेटा, डियर सर डियर मैडम। ठीक है, डियर सर या डियर मैडम, ठीक है। लेकिन यहां पे ये कैसा बेटा, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन, इसमें हमको डियर सर की जगह डियर सर्स करना है, क्या करना है बेटा, सर्स, ओके स्टूडेंट्स। और अगर डियर मैडम है तो डियर मैडम्स, ठीक है। तो आप जानते हैं अगर कोई लेडीज है, लेडीज को पत्र लिखे तो मैडम्स करना है, और यदि कोई जेंट्स है तो डियर सर्स करना है। लेकिन आजकल के इंग्लिश में ये मैडम शब्द बिल्कुल खत्म हो गया बेटा, बिजनेसमैन के लेटर में, बिजनेस में, ठीक है, बिजनेस में ये बिल्कुल ही खत्म कर दिया मैडम शब्द बिजनेस में। तो चाहे कोई लेडीज है चाहे जेंट्स है बेटा, सबसे सर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सर। अगर आप सबके लिए सर्स का प्रयोग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लम बेटा। लेकिन यहाँ पे देखो एक नई चीज़ सीखने को मिली हमें, सर नहीं सर्स, क्या किया बेटा हमें, सर्स। लेकिन यहाँ पे जब हम पांचवें नंबर पे सैल्यूटेशन करेंगे, सब्जेक्ट के बाद जब सैल्यूटेशन करेंगे तो ओनली डियर सर या डियर मैडम। अब आप ये कहोगे सर ऐसा क्यों, रिवर्स जाओ थोड़ा सा, थोड़ा सा रिवर्स चले जाओ बेटा। ऊपर हमने क्या लिखा बेटा, मैसेस, क्या लिखा, मैसेस, और मैसेस इज ए प्लूरल ऑफ मिस्टर, और मिस्टर का अर्थ करता है श्रीमान। जब आपने वहां प्लूरल लिखा है यानी कि एक से अधिक हैं, मैसेस जिसको आप खुद हो और ऊपर उसका पत्र भी आपने जैसे ये लिखा मैसेस, जिसको पत्र लिख रहे हैं वो भी कौन है बेटा, मैसेस है, और आप भी कौन हो, मैसेस हो। तो जिसको पत्र लिख रहे हैं वो मैसेस, मैंने आपको बता दिया मैसेस इज ए प्लूरल ऑफ मिस्टर, तो ये प्लूरल हुआ इसलिए हम उसको प्लूरल में ही सैल्यूटेशन करेंगे, प्लूरल में ही हम उसे संबोधन करेंगे, डियर सर्स डियर मैडम्स डियर मैम्स। लेकिन मैम्स नहीं लिखना क्योंकि मैम्स हो जाता है बेटा इनफॉर्मल, क्या हो जाता है, इनफॉर्मल। थोड़ा सा तरीका देखो, हमको यूज तो यही करना है लेकिन कभी कभार क्या होता है, जैसे कि पत्र का जो रिसीवर है वो हमारा जानकार है तो हम उसके बाद उसका नाम भी लिख सकते हैं, डियर एम एस और प्लस नाम, डियर एम एस अमित कौशिक, डियर एम एस अनिल बंसल, इस तरह से हम इसे सेट कर सकते हैं। इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लेना क्योंकि ये हमें यूज नहीं करना, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा कि हम इस प्रकार से भी हम सेट कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, ओके बेटा। देखो अभी नियम बहुत सारे रह रहे बेटा और टाइम हो गया बहुत ज्यादा। अब यहां के बाद ही सैल्यूटेशन से आगे की जो संरचना है ये हम आगे के क्लास में करेंगे बेटा, कल की क्लास में करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। इसको ढंग से एक बार दो बार देख करके और नोट डाउन कर लो क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर देखने में भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, ओके स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल बने रहिए, देखते रहिए बेटा, है ना। और कल की क्लास में हम इसको फॉर्मेट को बेटा कंप्लीट करेंगे, आपके लेके आएंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें रह रही हैं, एंडिंग लाइन्स रह रही है, हेडिंग रह रही है, कम्युनिकेशन रह रहा है और नीचे भी बेटा क्लोजिंग फ्रेज भी रह रहे हैं, ओके सर। तो इसी के साथ हम आज की क्लास आपके लिए ऑफ करते हैं बेटा, और बिल्कुल अच्छे से आप देखते रहो, ऑफिशियल लेटर आपकी समझ में आ गए होंगे बेटा, अगर उसमें कोई भी कैसी दिक्कत आ रही हो तो आप मुझसे शेयर करना, ओके सर, ओके बाय, चलो।